जहां वही मेरा जहां। तो भैया जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखे है उसको बना दो, कति आग लगाने वाला वीडियो है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलो फ्रेंड, इस वीडियो को कैसे बनाए जाते हैं, तो ये काइन मास्टर ओपन करके रखे हुए हैं। तो इसको बीच वाले प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल के आ जाएगा, ताकि आप ये 9060 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों सीधा हमें यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देता है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये ब्लैक वाला ले रहा हूँ, तो ताकि आप इस ब्लैक वाले को ले लेना, कुछ इसको बड़ा कर देना इसको। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ वीडियो का, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे लेयर पे चले जाना है। लेयर पे जाके यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन फिर से खुल के आएगा, तो उसको क्लिक करेंगे। तो हमें उस वीडियो को ले लेना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आपको उस वीडियो को ले लेना है। तो मैं भी ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, तो ये फुल स्क्रीन में हम इसको कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों अब हमें करना कुछ भी नहीं है। अब हमें यहाँ से एक फ़ोटो ले लेना है, जो फ़ोटो हम लगाना चाहते हैं। आपका जो भी फ़ोटो आप जो लगाना चाहते हो उस फ़ोटो को आपको ले लेना है। तो मैं इस फ़ोटो को लेना चाहता हूँ, तो इस फ़ोटो को मैंने ले लिया हूँ। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल के ये आ गया है। तो दोस्तों अब हमें इसको करना कुछ भी नहीं है। अब हमें इसको खींच के यहाँ पे बड़ा कर देना है, ताकि ये जहाँ पे प्लीज लिख के आ रहा है वहाँ पे। तो फिर से हमें यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे, इसको सेंड टू बैक कर देंगे। तो सेंड टू बैक करने के बाद ये फ़ोटो अंदर चला जाएगा हमारा। हमें यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जहाँ पे प्लीज लिख के आ रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ताकि आपका वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे आप इसको क्या करना है, इस प्रकार से वीडियो क्लिक करके यहाँ पे इसको ये देखोगे क्रोमा की का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको आपने इनेबल कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो ये फ़ोटो हमारा इस प्रकार से इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से इस वाले वीडियो को हमें कट करना है, थोड़ा इसको कम कर देना। ये प्लीज लिख के आने ही तक ही हमारे इस फोटो को रखना है। हमें यहाँ से इसको ये नीचे वाले हिस्से को कट कर देना है। कट करने के बाद फिर से हमें यहाँ चले जाना है, यहाँ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये ग्रीन स्क्रीन खुलने से पहले एक सेकेंड पहले यहाँ पे जाना है। फिर से कैंची में जाके यहाँ पे कट कर देना है इसको। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, फिर से हमें चले जाना है यहाँ क्रोमा की में, इसका क्रोमा की इनेबल कर देना है। तो ये इसका लाइटिंग बढ़ गया। अब दोस्तों हमें सिंपली करना क्या है, कुछ भी नहीं, इस फोटो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट है यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये वाले फ़ोटो को मैंने यहाँ ले लेता हूँ खींच के, इस वाले फ़ोटो में ले लेते हैं, इस वाले फ़ोटो को यहाँ पे लेने के बाद आप इसको एडजस्ट कर देना, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, आपका ये वीडियो बन के रेडी हो गया है। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। दोस्तों इसको भी हमें सेंड टू बैक कर देना है, ताकि आपका वीडियो ये स्मूथ बन जाए। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।